व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की वार्षिक परीक्षा की तैयारी, और इसमें हम कर रहे हैं अध्याय 15 के दो दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी। इस अध्याय के एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, चैनल पर है। और शुरू करते हैं। दो खिलाड़ी सविता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। यदि सविता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता होगी। तो हमें रेशमा के जीतने की प्रायिकता बतानी है। इसको हल करेंगे हम। हल, तो यहाँ पे दो खिलाड़ी दे रखे हैं, सविता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है, तो दोनों के जीतने की प्रायिकता यहाँ दे रखी है। सविता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की बतानी हमें। तो हम लिखेंगे माना कि सविता के जीतने की प्रायिकता 0.62 तथा रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.PR है। ठीक है, हमने मान लिया कि इनके जीतने की प्रायिकता PS सविता की है, तो हमने S लिख दिया PS, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता तो रेशमा के लिए हमने R लिख दिया, ताकि हम आसानी इसको समझ सके। अब क्योंकि ये दोनों की प्रायिकता, दोनों का यदि प्रायिकता किसी के जीतने की और किसी के हारने की, मतलब दोनों ही तरह की प्रायिकता का मान हमेशा एक होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः PS धन PR बराबर एक, क्योंकि एक मैच जीतेगी तो एक हारेगी, और इन दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा एक ही होगा। तो यहाँ पे सविता के मैच जीतने की प्रायिकता बता रखे 0.62, तो हम ये मान रख देंगे, तो 0.62 धन PR बराबर एक। हमें तो PR का मान निकालना है, तो PR बराबर एक, और ये 0.62 इधर आ जाएगा, ऋण में हो जाएगा, ऋण 0.62। हम घटा देंगे इसको, तो PR बराबर एक में से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर घटा लेते हैं ताकि हम समझ जाएं, 1.00 हो जाएगा ये, और इसमें से 0.62 घटा देंगे तो यहाँ से ये जो एक है, तो यहाँ पे ये इसको उधार दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से इधर एक उधार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये 9 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो बचे 8, 9 में से 6 गए तो बचे 3.00, और यहाँ पे इसने उधार दे दिया था तो ये 0 हो गया है, तो यहाँ बचेंगे 0.38। ठीक है, 0.38, तो यही इसका उत्तर है। रेशमा के जितने की प्रायिकता होगी 0.38, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः रेशमा के जितने की प्रायिकता बराबर 0.38 है, यही इसका आंसर होगा 0.38। बाद जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, यदि PE बराबर 0.05 है तो PE के ऊपर लाइन है, मतलब PE नॉट लिखा है, मतलब E नहीं, इसके संभावना इतनी, तो इसकी नहीं, मतलब जो नहीं होगा वो प्रायिकता क्या है। जैसे जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं तो इसमें हेड और टेल आने की संभावना, तो हेड की संभावना है, टेल मतलब जो हेड नहीं है, तो टेल आ जाएगा यहाँ पे, उसकी प्रायिकता क्या है हमें निकालना है। तो PE दे रखा और PE नहीं की प्रायिकता हमें निकालना है, तो हमें पता है कि PE और PE नॉट दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है, तो हम लिखेंगे हल, यहाँ लिख देंगे PE धन PE नॉट मतलब E नहीं बराबर एक, इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। PE का मान हमें दे रखा, तो हम लिख देंगे 0.05 धन PE नॉट बराबर एक, मतलब इन दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा एक होना चाहिए। एक का मान दे रखा तो हम दूसरे का मान हमेशा निकाल सकते हैं, तो PE नॉट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो PE नॉट बराबर
एक ऋण 0.05 बराबर। तो एक में से 0.05 घटा देंगे तो हम यही घटा लेते हैं ताकि हमको आसानी से करना भी आ जाए। तो 1.00 लगा देंगे पीछे और इसमें से हमें 0.05 घटाना है, ठीक है। इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ से उधार चला जाएगा, यहाँ पे एक से ये उधार लेगा तो ये 10 हो गया, 10 इसको उधार दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो गया। 10 में से 5 कम हुए तो 5 आए, यहाँ 9 है तो 9 का 9 ही आ जाएगा। दशमलव इसने उधार दे दिया था तो यहाँ 0 हो गया, तो आया है मान 0.95, तो यहाँ हो जाएगा 0.95। तो पीई नोट का मान हुआ, पीई नोट की प्रायिकता का मान हो गया 0.95 और यही इसका आंसर है 0.95। बात अगला प्रश्न है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है। तो चित्त या पट, ये जब भी हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसमें चित्त आएगा या फिर पट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे, हम लिखेंगे एक सिक्के को, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणामों की संख्या बराबर 2 होगी, जो चित्त या पट होगी, ठीक है। दो ही परिणाम हमें प्राप्त होंगे, चित्त या पट। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि ई चित्त आने की संभावना है तथा एच पट आने की संभावना, या फिर हम लिख सकते हैं प्रायिकता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें पूछा जब एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता पी ई, ठीक है, क्योंकि हमने ई को मान लिया था कि चित्त आने की जो संभावना है प्रायिकता वो ई है। तो पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो ई तो चित्त आने की संभावना है, तो चित्त कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, और कुल परिणाम कितने हैं, 2 है, चित्त या पट। तो यहाँ आ जाएगा ई के अनुकूल परिणाम केवल एक है, चित्त एक ही बार आ सकता है और कुल जो परिणाम वो 2 है, तो यह हो जाएगा 1/2 मान आ जाएगा। और इसी प्रकार से हम पट आने की प्रायिकता भी निकाल लेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता या फिर पट प्राप्त करने की प्रायिकता पी एच बराबर एच के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो एच के अनुकूल मतलब पटाने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक ही पट आ सकता, तो यहाँ 1 आ जाएगा। कुल संभावित परिणाम 2 ही है, चित्त या पट, तो यहाँ 2 हो जाएंगे और यही इसको हमने हल कर दिया, इसका आंसर यही है। चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, उसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छ या निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। हरा नहीं होने की प्रायिकता हमें बतानी है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, दिया है
एक डिब्बे में लाल कंचे बराबर 5, इसके बाद है सफेद कंचे बराबर 8, हरे कंचे बराबर 4। ठीक है, यह हमें दिया है। अतः कुल कंचे, क्योंकि कुल जो संभावित परिणाम है हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें इन सब का योग करना जरूरी है। कुल कंचों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? तो कुल कंचे हैं 8, 9, 10, 11, 12 और 5 17। तो कुल कंचे हो गए 17। अब यहाँ पे जो हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे 4 है। तो हमें तो यहाँ बताना है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। हरा नहीं होने की प्रायिकता बतानी। तो हरा नहीं, नहीं में कौन सा आ जाएगा? हरा हटा देंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे हम सीधा हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता बराबर। तो हरा नहीं, तो हरा हरे को हटा के बाकी ये दो कंचे हो सकते, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/ कुल कंचे कितने हैं? 17। तो 13/17 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम सूत्र भी लिख सकते हैं, हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता बटे कुल संभावित परिणाम। तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता है 13, क्योंकि यह हो जाएगी 8 और 5 13 और संभावित परिणाम है इसके 17, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 13/17।